की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। राजस्थान विधानसभा में एक बार फिर प्रियंका गांधी की पति रॉबर्ट वाड्रा को लेकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने वाड्रा पर जमीन घोटाले का आरोप लगाया। बल्कि बीजेपी नेताओं ने भूमिहीन बनकर जमीनें ली है और घोटाला किया। इस मामले में पक्ष विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक भी। लोन कंसर्न से बीजेपी विधायक सुनीता गोदारास के बीकानेर जिले में रॉबर्ट वाड्रा पर जमीन घोटाले का आरोप लगाने से विवाद की शुरुआत हुई। गोदारा ने कहा कि फायरिंग रेंज की जमीन में घोटाला हुआ। जो किसान फायरिंग रेंज की जमीन में माइग्रेट हुए, उनकी जमीन को लोगों ने कोड़ियों के दाम खरीद कर करोड़ों कमाए हैं। सुमित गोदारा के रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप लगाने पर शिक्षा मंत्री कल्ला ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जो सदन का मेंबर नहीं, उसका नाम लेना गलत है। जोधपुर शहर के पाली रोड स्थित अमृता देवी सर्किल के पास बुधवार की शाम को यातायात पुलिस ने एक संदिग्ध क्रेटा कार को रुकवाया। एक शख्स उतर कर भाग गया और दो पुलिस ने जैसे तैसे कर पकड़ा और गाड़ी के नंबर चेसिस चेक किए। गाड़ी चोरी की निकली। पुलिस ने यातायात के एसआई प्रहलाद की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया। दोनों शख्स ने अब भगत की कोठी पुलिस पूछताछ में जुटी है। एडीसीपी यातायात चेन सिंह महचा ने बताया कि शाम को 5 बजे के आसपास पाली रोड अमृता देवी सर्किल पर यातायात के एसआई प्रहलाद ने क्रेटा को संदिग्ध मानकर रुकवाया। जोधपुर शहर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय नेहरा परिसर बुधवार की शाम को क्रिकेट की बात पर उपजा विवाद रात को फिर सामने आया। छात्रों के दो गुटों के लड़के मुख्य गेट पर उलझ गए। तब तक गुट के छात्रों ने वहां खड़ी दो बाइक को आग के हवाले कर दिया। थानाधिकारी सुनील चारण ने बताया कि शाम को जेएनयू न्याय परिसर में छात्रों के गुटों में क्रिकेट खेलने के समय विवाद हो गया था। रात 9:15 के आसपास कुछ छात्र न्याय परिसर गेट के बाहर निकल रहे थे, तब दूसरे गुट के छात्र सामने आ गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई आरंभ करने के साथ हॉस्टल में सर्च अभियान भी चलाया। कुछ हॉस्टल में रहते हैं। फिलहाल इस बारे में मामला दर्ज करवाए जाने की कार्रवाई जारी है। छात्रों के गुट अलग अलग छात्र नेताओं के बताए गए हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की डीएसटी टीम वेस्ट और राजीव गांधी नगर थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 2020 में बाड़मेर में 3 साल हत्या के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के बारे में बताते हुए राजीव गांधी नगर थाना अधिकारी अनिल यादव ने बताया कि डीएसटी टीम के उपनिरीक्षक मनोज कुमार और कांस्टेबल सुनील के जरिए मुखबिर को इतला मिली कि विनोबा भावे नगर में एक व्यक्ति हथियार लेकर घूम रहा है।
जिसकी पर टीम बनाकर मौके पर भेजी गई। टीम ने विनोबा भावे नगर में भावी गांव निवासी अरविंद साहू को पिस्टल व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। उसे थाने लाकर पूछताछ करने पर पता चला कि वो 2020 में बाड़मेर में रागेश्वरी गैस टर्मिनल थाने मजिस्ट्रेटर के अपहरण और हत्या के मामले में 3 साल से फरार बैराथनाडा थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी से मारपीट और लूट के मामले में जेल जाकर आ चुका है। बांसुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बांसुर के कालखाना से एक बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। बांसुर थाना प्रभारी हेमराज सराधना ने बताया कि गुरुवार देर शाम सूचना मिली बांसुर के कालखाना में एक युवक संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश ली गई। युवक सुशिया पुत्र विजय पाल यादव निवासी कुलताजपुर नारनोल के पास अवैध देशी कट्टा व 315 बोर बरामद किया। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस की टीम ने बांसुर इलाके में 5 दर्जन यानी 60 बदमाश युवकों की पहचान कर चिन्हित किया है। वही बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई अभियान जारी रहेगा। वही थाना प्रभारी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि ऐसे उनकी नजर कोई भी बदमाश अवैध हथियार रखता है। नागौर को बुधवार रात को अज्ञात चोर मंदिर में करीब 200 किलो वजनी दान पात्र और चांदी के 2 छत्र ले गए। ऐसे में चोरी गई रकम का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन जैन धर्मावलंबी 50,000 रुपए से अधिक की चोरी का दावा कर रहे हैं। गर्भगृह से 2 चांदी के छत्र भी चोरी हुए। थानाधिकारी शर्मा ने मंदिर के आसपास के पूरे एरिया का बारीकी से निरीक्षण किया। जैन समाज अध्यक्ष सुनील जैन ने थानाधिकारी को अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट पेश कर उनकी पहचान करने व गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया। बिलाड़ा निकटवर्ती खारिया अनावास में शिक्षक का चरित्र विद्यार्थी के लिए अनुकरणीय होता है, इसके लिए स्वयं के आत्मावलोकन पर चिंतन करने के बाद शिक्षण करवाए तो वो प्रभावी रहेगा। वॉकपीट संयोजक प्रकाश देवासी ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खारिया अनावास में आयोजित 2 दिवसीय वॉकपीट में विभिन्न वार्ताओं के माध्यम से शैक्षणिक नवाचारों के साथ नवीन तकनीक आधारित विद्यालय कार्य विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस अवसर पर वॉकपीट अध्यक्ष बंशीलाल टोक, सचिव रामकिशोर सांकला सहित अनेक स्टाफ उपस्थित रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।